दोस्तों फेसबुक मैसेंजर पे सीक्रेट चैट का ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम पे सीक्रेट चैट का ऑप्शन होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर सीक्रेट चैट का ऑप्शन होता है, जहाँ पर अगर आप किसी से बात करते हैं और सीक्रेट मोड ऑन कर देते हैं तो आपका जो मैसेज है जो आपने सेंड किया है वो ऑटोमेटिक डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर आपको एक टाइमिंग सेट करना होता है कि 1 मिनट 2 मिनट या फिर 10 सेकेंड के अंदर जो आपने मैसेज सेंड किया है वो पढ़ने के बाद ही डिसअपियर हो जाए। तो एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है, लाइक अगर आप किसी से सीक्रेटली बात करना चाहते हैं तो उससे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि आप जीमेल यानी जो आप ईमेल सेंड करते हो उसमें भी इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप किसी को भी कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड कर सकते हो और उसका टाइमिंग सेट कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आज आपने किसी को ईमेल सेंड किया तो वो ऑटोमेटिक 1 दिन 2 दिन बाद या फिर जितना भी टाइम वहाँ पे दिया रहेगा टाइम ऑफ लिमिट, उस लिमिट के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो ये एक बहुत ही यूनिक सा फीचर है, शायद से आपको पता नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। और हाँ, अगर आपको पता होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये फीचर जीमेल का ये फीचर आपको कैसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप शर्मा एंड डीएस एडवाइस के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे मेरा मेन मोटिव यही है कि मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बताया जाए सिखाया जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका हूँ मैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सबसे पहले हम चलते हैं जीमेल अकाउंट में। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी को भी कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड करेंगे जो ऑटोमेटिक डिसअपीयर या फिर डिलीट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना है। ये मैं एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, आप सेम चीज़ अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंपोज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको उसका एड्रेस डालना है, लाइक ईमेल एड्रेस डालना है जिस ईमेल एड्रेस पर आप जो भी मैसेज है वो सेंड करना चाहते हो। तो चलिए मैं अभी के लिए एक ईमेल आईडी को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है, अभी आपको सब्जेक्ट लिखना है। चलिए मैं सब्जेक्ट में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट मैसेज सून, ठीक है। मैं ये कुछ लिख देता हूँ अपने मर्जी से। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको इसको सीक्रेटली तरीके से कैसे भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मोड दिखाई देगा। सबसे पहले तो ऊपर का एक ऑप्शन दिखाई देता है शेड्यूल सेंड, यानी आप एक टाइमिंग सेट कर सकते हो कि इस टाइमिंग पर आपका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। तो इसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, फिलहाल आज हम कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियल मोड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर सेट एक्सपायरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने टाइम के लिए सेट करना चाहते हैं कि कब ये आपका जो मैसेज है वो एक्सपायर हो जाए या फिर डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक्सपायर इन 1 वीक ऑटोमेटिक है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सपायर इन 1 डे, एक्सपायर इन 1 वीक, एक्सपायर इन 1 मंथ या फिर 3 मंथ या फिर 5 ईयर्स। तो मिनिमम आप यहाँ पर 1 डे के लिए इसको रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको एक्सपायर इन 1 डे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए रिक्वायर्ड पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ईमेल किसी को भेजा है वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, उसको खोलने के लिए एक पासवर्ड लगे, तो आप उसे यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। एसएमएस पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों तो वो जो जब भी आपका ईमेल खोलेगा तो उसको एक वेरिफिकेशन करना होगा, उसके ईमेल जो भी जब उसने ईमेल आईडी क्रिएट किया होगा तो उसमें अपना मोबाइल नंबर डाला होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा तब जाके उसे ओपन करेगा। तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को भी मैं छोड़ देता हूँ, इसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियोज में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम इसको 1 डे का सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हम इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेंड करेंगे दोस्तों तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे सेंड हो चुका है। अब हम वो ईमेल ओपन कर लेते हैं जिस ईमेल पे हमारा जो ये मैसेज है वो गया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ईमेल आ चुका है और यहाँ पर देखिए वो जो ईमेल है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिंग ऑप्शन है इसका, हमने सब ये में लिखा था सब्जेक्ट में।
और दोस्तों यहाँ पे डिलेट मैसेज सुनो, और यहाँ पे साफ साफ ये एक नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है, कंटेंट एक्सपायर June 30, 2021, यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड कॉपी प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले तो वो जिसको भी आप ईमेल सेंड करते हो वो आपके ईमेल को ना ही कॉपी कर सकता है, ना ही फॉरवर्ड कर सकता है, ना ही कुछ प्रिंट डाउनलोड वगैरह कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो आपने ईमेल सेंड किया वो ऑटोमेटिक आपने जो टाइम सेट किया है उस टाइम के ड्यूरिंग पीरियड में एक्सपायर हो जाएगा, जो कि ये हम लोग ने एक दिन का टाइम सेट किया था, तो 30 जून को ये जो हमारा ईमेल है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी को भी कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड करेंगे, एक प्रकार से आप इसे सिंपली सीक्रेट चैट भी, सीक्रेट ईमेल भी बोल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप जीमेल एप्लीकेशन का यूज करते हुए कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड करेंगे और किसी को भी सीक्रेट ईमेल सेंड कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आओ, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।